111, तो इसको मतलब जब शतक पूरा किया तो लगभग 30 या 29 गेंदें होंगी। मतलब ये तो गजब की पारी खेली थी या बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें दो मुकाबलों में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो आज उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर ध्रुव के आउट होने के बाद। विक्रांत अब आए हैं। ये चेन्नई राइनोस की टीम हमेशा तीन वीज के लिए जानी जाती है, विक्रांत, विष्णु और विशाल। विशाल इस संस्करण में भाग नहीं ले रहे, पर विक्रांत और विष्णु दो अहम खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है चेन्नई राइनोस के लिए। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि ऐसा नहीं कि एक ही मैच में तुक्का लगा उनका, खिलाड़ी बढ़िया है, पर उनका जो रोल है टीम में, मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी बढ़िया बैटिंग लाइनअप रही है कि ज्यादा मौकों में जब वो बल्लेबाजी करने आए हैं तो ज्यादा ओवर्स बचे नहीं होते थे, तो उसमें रन बनाने के लिए आउट हो गए होंगे। पर उस पारी में जो चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उस दिन खेली उन्होंने, उसमें उनको काफी समय मिला, काफी समय नहीं मिला फिर भी, क्योंकि भारी उन्होंने 33 गेंदों की खेली, सिर्फ 15 छक्के उस मुकाबले में आए थे बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध। यहाँ पे गैप भेदने में सफल, यहाँ पे रन और मिलेंगे, तेज आउटफील्ड है। और जी हाँ, हालांकि यह प्रयास जरूर किया था डीप पॉइंट के फील्डर ने, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 18वां चौका अभी तक इस इनिंग्स का कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। पर ये बढ़िया शॉट देखिए, किस प्रकार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट में गए। और राहुल जो कि काफी देर से बने हुए हैं, 55 मिनट से क्रीज में है, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, बहुत ही आसानी से इस शॉट का निष्पादन किया। यही जानते हैं कर्नाटक बुलडोजर्स के अन्य खिलाड़ी और उनके समर्थक। मुझे लगता है एक रोल दिया गया यहाँ पे अब राहुल को कि एक छोर संभाल के रखे, और उस रोल को अभी तक बहुत बढ़िया निभा रहे हैं, क्योंकि अब एक एंड अभी तक उन्होंने एंकर किया हुआ है, बेशक दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे हो। इस बार काफी लेट खेला, पर खिलाड़ी डी पॉइंट पे स्थगित है, पर मात्र दर्शक ही रह गया, हालांकि प्रयास किया था। दो चौके आ चुके हैं, ये ओवर विक्रांत का थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। देखिए, अगर देखें अब तक इस मैच को अजय, तो ज्यादा जो बाउंड्रीज आई हैं टाइमिंग से और करेक्ट शॉट्स मार के आई हैं, जब जब बड़ा शॉट मारने की कोशिश की है खिलाड़ी आउट हुआ है। क्या यही कारण है कि अगर आप अलोंग द कार्पेट यानी कि अलोंग द ग्राउंड भी खेलेंगे तो रन जरूर में आपको मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि आपको बड़े शॉट्स के लिए जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है, बड़ी ग्राउंड है, ये बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो गैप्स काफी मौजूद हैं। डॉट बॉल, 10 ओवर की समाप्ति, 80-2 कर्नाटक बुलडोजर्स। End of 10 overs, Karnataka Bulldozers 80 runs on 2 wickets. थे प्रदीप, 19 पे आउट हुए थे ध्रुव, राहुल अभी बने हुए हैं 34 पे, राजीव उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक अच्छे स्ट्राइकर है, लाल एक पे बैटिंग करते हुए। 10 ओवर के बाद 80-2 कर्नाटक बुलडोजर्स। कुछ खिलाड़ी डीप में तैनात, मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे, यहाँ पे टर्न एक बार फिर, फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड पे जहाँ पे गेलन है, और देखते हैं इस बार उनके साथ कौन है। Well, with me is the very happy owner of the Karnataka Bulldozers, Mr. Ashok Kenny. Sir, how excited are you for your team to be in the semi-finals? You know, this match is very important for us because the first 2 years we lost in the finals to Chennai, and the next 2 years they lost to us. Okay. So this is like the super match, like the World Cup match. You know, this match. I think it is as important or more important than the finals. Absolutely, absolutely. Is there anything you'd like to tell to your team? What is it that you told them before they came out here to play? See, one thing, you know, they're a little bit overconfident, so it was good that we lost last time, last match. So now they recoup themselves, and they're well-rested team. Okay, like for example, last night
there everybody was partying, all the teams were partying. My team at 10 o'clock sharp was the curfew. They went to sleep. We said we can party all year, you know, let's just, you know, rest and win this match. Well, that's something for discipline, huh? All right, tomorrow is the finals, the big finals. Kya lagta hai? Aapki team finals tak pahunch payegi? Agar pahunch jayegi, to kiske mukable? No, mujhe to lagta hai, hum pahunch jayenge finals. Aur mujhe lagta hai, ye Telugu team, bahut achha practice kiya hai. Beautiful, they got very good batsmen, opening batsmen pairs. And actually, first 3-4 batsmen very good, plus अच्छा bowling है उनका, वो finals पे आएंगे, उसके बाद revenge match होगा, क्योंकि उन्होंने हमको हराया था, तो हम उनको कल will repay them, pay back. Well, with the face like that, revenge and repaying does not seem something legitimate. Thank you so very much, sir, for joining us. All the best for this semi-final, and hopefully we'll see the Karnataka Bulldozers in the finals. Thank you so very much for joining us. It's back to commentary. शुक्रिया जी. हम ये थे कर्नाटका बुलडोजर्स के टीम ओनर अशोक केनी. अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर में. अच्छा ओवर रहा है अभी तक. अशोक ने काफी नफीतुली गेंदबाजी की है और एक बार फिर बाल बचे. हालांकि वाइड का इशारा एम्पायर का, बहुत ही करीबी ये मामला था. एक लाइन वहां पे मौजूद है जो एक इंडिकेशन रहती है एम्पायर के लिए कि क्या ये वाइड है या नहीं, पर मुझे लगा उस लाइन के बहुत ही करीब थी ये गेंद. कट करने का प्रयास, बढ़िया कलेक्शन विकेट के पीछे, और उसके बाद थोड़ा संतुलन भी खो बैठे थे. ऑन साइड पे धकेलते हुए पहला रन तेज है, पर मात्र एक ही रन मिलेगा. अब 11 ओवर की समाप्ति, 87 पे 2 कर्नाटका बुलडोजर्स. जो औसत चल रही है कर्नाटका बुलडोजर्स की 7.91, जिससे प्रोजेक्टेड स्कोर होता है 158, और मुझे लगता है क्योंकि अभी भी 8 विकेट शेष है, 8 विकेट उनके पास बैग में है, कम से कम जरूर चाहेंगे 180-190 रन बनाए. फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंटेटर बॉक्स में. अब आज पहली दफा देवांग गांधी